हेलो एवरीवन, मैं समीर कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोटो E5 प्लस के लाइव इमेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटो E5 प्लस के लाइव इमेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसके फ्रंट साइड में 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका स्क्रीन साइज 5.8 इंचेज का बताया जा रहा है। और साथ में दोस्तों, इसमें भी फ्रंट फ्लैश देखने को मिलता है, जैसा कि मोटो E4 प्लस में देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि इसके होम बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। दोस्तों, बात करें इसके बैक साइड की तो ऐसा बताया जा रहा है कि मोटोरोला के लोगो के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर को इम्बेड किया गया है। दोस्तों, इसके बैक साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसके डुअल रियर कैमरा सेटअप में एक कैमरा का सेंसर है और एक लेजर ऑटो फोकस का सेंसर है। और दोस्तों, डिजाइन वाइज मोटो E5 प्लस के बैक साइड मोटो X4 से काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो दोस्तों, यही थे मोटो E5 प्लस के लाइव इमेजेज। अब ऐसे में दोस्तों, देखना होगा इसे कब और किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।